और बरेली जेल से कैसे रची गई साजिश, जहां पहुंचे थे गुड्डू मुस्लिम और असद। बरेली जेल में बुना गया हत्या का जाल। प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर की साजिश बरेली जेल में रची गई थी और माफिया डॉन अतीक के भाई अशरफ ने सभी शूटर्स के साथ मीटिंग करके बकायदा उमेश पाल की हत्या का प्लान तैयार किया था। अब इसका सबूत भी सामने आ गया है। दरअसल बरेली जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटर्स जेल के अंदर अशरफ से मुलाकात करने जाते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 11 फरवरी का है और उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। ये तस्वीर देखिए आप, उस्मान सफेद कमीज में आपको दिखाई दे रहा है, शूटर उस्मान, असद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, जिसने उमेश हत्यापाल में गोलियां चलाई थी, आपको वीडियो में साफ दिखा था। गुलाम हसन, शूटर गुलाम हसन, जो अभी गिरफ्त से बाहर है। राजू राज, ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। राजू राज, एक बार फिर पुलिस और प्रशासन के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़ा होता है। इतनी बड़ी हत्या की साजिश जेल के अंदर बैठकर रच ली गई और एक कैदी से मिलने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बारात अंदर जेल के पहुंच गई। एक या दो व्यक्ति परिवार के मुलाकात करने की इजाजत होती है। बिल्कुल शोभना, बता दूं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है अपने आप में एक बड़ा सबूत के तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि अशरफ बरेली जेल में बंद था और उससे मिलने 11 फरवरी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9-9 लोग आते हैं। ये 9 लोग उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, इसमें से कुछ का एनकाउंटर हो गया, कुछ फरार चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जेल मैनुअल क्या कहता है। जेल मैनुअल की माने तो अगर आप किसी मुलाकाती से मिलते हैं या कैदी हैं या सजा याफ्ता, तो आपको 11 बजे के करीब, जो जेल मैनुअल है, 11 बजे के करीब आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एक एप्लीकेशन देनी होती है और उसके बाद आपको परमिशन देती है। और जो मुलाकात का टाइम होता है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है, और एक शख्स से मिलने के लिए महज 3 लोग से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, और जो टाइमिंग होती है महज आधे घंटे की होती है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, 9-9 शख्स आते हैं। बाकायदा जो जेल पुलिसकर्मी हैं वो उनको एस्कॉर्ट करते हुए अंदर लाते हैं और उनकी ना तो तलाशी ली जाती है ना तो फ्रिस्किंग की जाती है। ये तो रहा जेल मैनुअल का पहलू। दूसरा पहलू है कि जब SIT की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो उनको बरेली जेल से ये CCTV फुटेज नहीं मिला, क्योंकि वहां पर से फुटेज शायद डिलीट कर दिया गया या फिर हटा लिया गया। लेकिन ये फुटेज जेल मुख्यालय से, उनके सर्वर से लिया गया है, जो बेहद एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है, सुराग पत्र पर। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस योगी राज में माफिया राज को खत्म करने के लिए तमाम कवायद चल रही है, वहीं योगी राज में जो उनके पुलिसकर्मी है, जो उनके जो दावे किए जाते हैं, उस दावे में कहीं बिल्कुल कहीं, बिल्कुल राजू राज, अब योगी जी को सिर्फ माफिया का ही खात्मा नहीं करना है, जो अपनी फौज के अंदर जो गंदगी है उसको भी साफ करने की जरूरत है। बने रहिए आप हमारे साथ राजू राज। हमने अपने दर्शकों को बरेली जेल का जो वीडियो दिखाया है उसमें कौन कौन दिख रहा है, आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। शूटर्स का मर्डर प्लान क्या था वो आप समझिए, अशरफ से जेल में कौन कौन मिलने पहुंचा था ये आप देखिए, शूटर गुलाम हसन, असद, गुड्डू मुस्लिम, अशरफ का रिश्तेदार सद्दाम, सद्दाम का साथी लल्ला गद्दी, साबिर, अरमान, सदाकत, उस्मान, ये तमाम वो लोग जो इस समय जेल से, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11 फरवरी का ये वीडियो है और 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। और जैसा कि राजू राज जानकारी दे रहे हैं कि इस वीडियो को तो डिलीट कर दिया गया था सीसीटीवी फुटेज को, लेकिन सर्वर से ये वीडियो निकाला गया है जो इस समय आपके सामने है। Z News.